With you, I can be sad with you. Good morning everybody. So, सुबह के 4 बज रहे हैं, मैंने अपनी चाय रख दी है. टेंशन बस इसी बात की थी कि रात भर बहुत बारिश हुई है और अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है. फिंगर क्रॉस कि मैं रनिंग पे जा सकूं. तो आप लोगों को भी साथ में लेके चलूंगी कि मेरी रनिंग, मेरा संडे कैसा रहता है और मैं आपको अपनी चाय दिखाती हूँ. बहुत थोड़ी सी, बस मैं ऐसे ही थोड़ा सा मूड लाइट अप करने के लिए पी रही हूँ बस. सो गाइज, मैं निकल गई हूँ अपने रन के लिए. इट्स 4:40 इन द मॉर्निंग. प्लान था 5 o'clock टू स्टार्ट माई रन, जिससे कि मैं अपने रन जल्दी फिनिश कर सकूँ और बाकी के काम कर सकूँ. सो लेट्स सी, फिंगर क्रॉस हाउ इट गोज. सुबह सुबह उठने में तो सबको आलस आता है, मुझे भी कभी कभी आता है और कभी कभी मैं सो भी जाती हूँ. बट आज के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, तो बस मैंने सोचा आप लोगों को भी इंक्लूड करती हूँ इसमें कि कैसा रहता है सब कुछ. तो मैंने अभी थोड़ी सी चाय और हाफ बनाना एज अ प्री वर्कआउट मील लिया है एंड बस. ऑल राइट गाइज, अब मैं अपने रनिंग के बाद आप लोगों से मिलती हूँ और बताती हूँ कि कैसा था मेरा रन. और मेरा रन हो चुका है. मेरे चेहरे से आपको दिख रहा होगा कि एक्चुअली रन के बाद या फिर वर्कआउट के बाद चेहरे पे एक अलग ही स्माइल होती है बिकॉज ऑफ स्वेट, एक फ्रेशनेस होती है. सो यस, आई एम हैप्पी. सो अभी जाके ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद मुझे कॉफ़ी पीना है. तो मैंने उतने कैलोरीज बर्न किए हैं दैट आई कैन एन्जॉय माई संडे कॉफ़ी. सो उसके बाद मैं कैफ़े जाऊँगी, कॉफ़ी इन्जॉय करूँगी, फिर घर आऊँगी और उसके बाद मेरा और मेरे हस्बैंड का एक बहुत अच्छी जगह जाने का प्लान है. तो मैं आप लोगों को भी वहाँ पे लेके जाऊँगी. सो सरप्राइज़ है वो, मैं अभी नहीं बताऊँगी. ओके, और मे भी आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा. बट यस, लेट्स सी हाउ इट गोज. मुझे एक आइडिया है कि अभी बज रहे हैं 8, तो क्यों ना मैं जाकर पढ़ाई कर लेती हूँ. जब तक मेरे हस्बैंड साहब उठेंगे तब तक मैं पढ़ाई करके आ भी जाऊँगी और कैफ़े में कॉफ़ी भी इंजॉय कर लूँगी. और फिर मुझे टेंशन नहीं रहेगा कि संडे को मैंने पढ़ाई नहीं की. और एक और चीज़, वो दिख रहा है बोर्ड जो मैंने कल लिखा था मेरे पहले वाले व्लॉग में, उसका सिर्फ 2 काम हुआ, बाकी एज इट इज़ पड़ा हुआ है. सो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर दिन हो, बट हम कोशिश कर सकते हैं. तो आज मैं कोशिश करूँगी. तो फटाक से चलते हैं. I can be sad with you.
मैंने यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, मैंने पढ़ाई की, अपना सारा काम किया, बहुत रिलेटेड था एंड मेरे फर्स्ट टाइम था और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि शायद जैसे मेरा वर्कआउट नहीं रहेगा तो मैं और जल्दी आऊँगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि कब 10 बजे। सो अगर आप लोगों को कभी मौका मिलता है ऐसी जगह जाने का तो प्लीज़ जाओ अमेजॉन से। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं सी एक्वेरियम में। सो जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे घूमने आई थी तब यहाँ पे नहीं आ पाई थी। सो आज हम लोग का प्लान बना है यहाँ पर आने का और घूमने का, तो मैं आप लोगों को भी साथ में लेके चलती हूँ। सो आई डोंट नो अभी कितना हमें चलना है, हमारा जो स्लॉट है वो 12 बजे का है, इट्स 11:45। तो देखते हैं और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ।